चाहे हम सकाम भाव से भी भगवान के प्रति शरणागत होने का प्रयास करें, अगर हम भगवान के सेवा में जुड़े रहेंगे, अगर हम मंत्रों का उच्चारण करते रहेंगे, तो आस्ते आस्ते हृदय की शुद्धि प्राप्त होगी, जिसके द्वारा अंत में आप क्या बात समझोगे कि भगवत भक्ति ही जीवन का असली लक्ष्य है। यहां भगवान कह रहे हैं आज के श्लोक में, भवनाम जन्मनाम अंते, कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। आरंभ में हम भगवान के शरणागत होते हैं, चाहे किसी भावना से, पर अगर हम जुड़े रहे, भक्ति का इतना गहरा प्रभाव है कि जीवन की समाप्ति से भक्ति का लाभ समाप्त नहीं होता। भौतिक स्थिति में उदाहरण के लिए मान लो आपने 10 लाख रुपए जोड़े हैं बैंक में, तो ये नहीं कि आपके अगले जीवन में आपका बैंक बैलेंस 11 लाख से शुरू होगा, वो 10 लाख यहाँ ही रह जाएंगे और आप किधर और चले जाओगे। पर भक्ति के विषय में चाहे हम थोड़ा भी करें, 1% भी करें, वो 1% आपके साथ जाएगी। मान लो कि आपने इस जिंदगी में 1% भक्ति की है, तो अगला जीवन आप आरंभ करोगे 2% के साथ। मान लो आपने 50% किया है, तो ये 50% आपके साथ जाएगा। हम जन्मांतर बहुत से जन्म मृत्यु के पश्चात वो भाग्यवान व्यक्ति है कौन, जो ये जानता है कि मैं ही हूं समस्त कारणों का कारण। तो बेशक आरंभ में हम किसी भौतिक कारणवश भगवान के प्रति आकर्षित हो, भगवान कहते हैं घबराओ मत, चाहे भौतिक चीजें भी चाहिए मेरे पास आओ, पर मेरे पास जुड़े रहो, अगर आपको धन भी चाहिए मेरे पास आओ। तो इस श्लोक में शुद्ध भक्ति की स्थापना की जा रही है। दूसरे शब्दों में ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति ये स्वीकार करे कि परम भगवान ही हर चीज के कारण है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ का अर्थ है कठिनाई के साथ, कठिनाई से जो चीज प्राप्त होती है। तो कोई साधारण व्यक्ति कहेगा कि अगर ये इतना दुर्लभ है ये मार्ग, तो हमें इस मार्ग को क्यों स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए, हम तो असफल होंगे। नहीं, अगर हम प्रयास करेंगे श्रद्धा के साथ, तो फिर सफलता की बहुत अच्छी संभावना है। भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रयास करते हैं मुझे समझने के लिए, उनमें जो कमी भी है उसे मैं दूर कर देता हूं, और जो गुण है उन्हें मैं रखता हूं। जैसे कि हम भगवान की बाल लीलाओं के विषय में सुनते हैं कि जब भगवान अपनी बाल लीला कर रहे थे वृंदावन ब्रज में, तो कईयों के मंदिर में घरों में जाकर मक्खन चुराते थे, और पड़ोस की गोपियां यशोदा माता के पास आती थी शिकायत करने के लिए, आपका बेटा तो बहुत शरारती है, हमारे घर से आकर मक्खन चुराता है। यशोदा माता कहती थी, क्या हमारे घर में क्या मक्खन की कमी है, वो आपके घर से क्यों चुराए। पर इतनी गोपियों ने शिकायत की कि माता यशोदा ने सोचा, अब मुझे एक रस्सी लेकर मेरे बेटे एक शैतान लड़के को बांधने दो। तो माता ने ली रस्सी, और जब रस्सी बांधने का प्रयास किया अपने बेटे को रस्सी के साथ, तो रस्सी थोड़ी छोटी निकली दो उंगली, फिर एक रस्सी को किसी एक और रस्सी के साथ जोड़ा तो भी वो छोटी निकली, फिर एक और रस्सी के साथ जोड़ा वो भी छोटी निकली। तो माता निराश हो रही थी, सोच रही थी मैं इतना प्रयास कर रही हूं बेटे को बांधने के लिए कि वो अपनी शरारत बंद करे, पर रस्सी हमेशा छोटी निकल रही है। फिर बेटे ने देखा कि माता निराश हो रही है, बेचैन हो रही है, तो बेटे ने माँ को बांधने दिया अपने आप को। तो
कहने का अर्थ है जब भगवान देखते हैं कि हम सचमुच ही उन्हें समझना चाहते हैं, उनके शरणागत होना चाहते हैं, तो वो पूरा सहयोग देते हैं उस भक्त का कि वो इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके। तो असली लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि हम उस स्थिति पर पहुंचे जहाँ की हम परम भगवान के शरणागत हो जाएं और यही समझें कि समस्त कारणों के कारण कौन है, परम भगवान ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने एक प्रार्थना जिसे हम ब्रह्म संहिता में प्राप्त करते हैं, उसमें कहा ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। कहते हैं ब्रह्मा जी कि अनेक ईश्वर हैं, जो ईश्वर का अर्थ है जैसे किसी और पर वश हो, जैसे कि सरकार लोकल लेवल में भी सरकार है और फेडरल लेवल सेंट्रल लेवल में भी सरकार है, तो अनेक ईश्वर हैं, पर परमेश्वर जिसके सब अधीन हैं वो केवल एक ही है। और सर्व कारण कारण वो सबके कारण है पर उनका कोई कारण नहीं है। तो भगवान बेशक आरंभ में हम सकाम विचार से भगवान के शरणागत हों, पर अगर हम भगवान के शास्त्रों की विधियों का पालन करते जाएंगे तो सकाम भाव से आस्ते आस्ते हम पहुंचेंगे निष्काम भाव पर। और इस श्लोक में निष्काम भाव को प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि निष्काम भाव के द्वारा भगवान के शरणागत होना सबसे सर्वश्रेष्ठ है या सबसे अच्छा है। बेशक हम सकाम भाव से पहले आरंभ करें पर हमारा अंतिम लक्ष्य यह होना चाहिए कि हमें निष्काम भाव से भगवान की शरण स्वीकार करनी है। चैतन्य चरितमृत की रचना एक बड़े महान भक्त कृष्णदास कविराज जी ने की थी आज से 500 साल पूर्व। इस चैतन्य चरितमृत में हमें चैतन्य महाप्रभु जी की दिव्य कार्यकलापों लीलाओं और शिक्षा प्राप्त होती है। कृष्णदास कविराज जी ने ये चैतन्य चरितमृत की रचना 90 साल की आयु में आरंभ की। तो इस बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ में एक श्लोक है इस प्रकार का, कृष्णा भक्ता निष्कामा अतएव शांता भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांता। ये श्लोक सरल बंगला भाषा में है, बंगला भाषा बड़ी मीठी भाषा है और समझना कठिन नहीं है। तो इस श्लोक में कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं कृष्णा भक्त निष्कामा, जो कृष्ण भगवान के भक्त जो निष्काम हैं, जो निष्काम भाव से भगवान के शरणागत होने का प्रयास करते हैं सका वो हमेशा शांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, वो हमेशा शांत रहते हैं। और इसकी तुलना में जो दूसरे हैं आध्यात्मिकवादी जैसे भुक्ति जो कि कर्म खंड का पालन करते हैं पर इसके बदले में कोई सुख लाभ सुविधा चाहिए, मुक्ति जिनको मुक्ति चाहिए और सिद्धि, 8 प्रकार की योगिक सिद्धियां हैं। आज इस कलयुग में इन योगिक सिद्धियों को प्राप्त करना असंभव है पर प्राचीन समय में 8 प्रकार की योगिक सिद्धियां थी। जैसे एक सिद्धि है प्रपत्ति सिद्धि, प्रपत्ति सिद्धि के द्वारा आप एक स्थान में रहकर अपने हाथ को किधर भी फैलाकर किसी वस्तु को उठा सकते हो। तो प्राचीन समय में कईयों को योगिक सिद्धियां चाहिए थी। एक रूप से कई योगिक सिद्धियां आज विज्ञानियों ने प्राप्त कर ली है किसी छोटी मात्रा में, और जिन्हें किसी प्रकार का भौतिक सुख चाहिए ये सब जो है सदा अशांत रहते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम भाव से जब आप जुड़ते हो भगवान के प्रति अच्छा है, न जुड़ने से हजारों गुना अच्छा है, पर सकाम भाव से आगे है
अगर हम निष्काम भाव से भगवान की शरण स्वीकार करो। Na chao se ma.